वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 15 फरवरी 2020 और 15 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसकी शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 फरवरी को, 13th of February को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष की थीम की बात करें, रेडियो और विविधता इस वर्ष की थीम है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रेडियो सबसे सुलभ मीडिया है, इसे विश्व के किसी भी स्थान से सुना जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो सही से पढ़ना लिखना नहीं जानते वे भी रेडियो के जरिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और साथ में यह आपातकाल में संचार का अहम साधन भी होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मीडिया वगैरह सब कुछ अलग है, लेकिन रेडियो की इम्पॉर्टेंस आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सभी लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से सभी शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर या ट्विटर पर या फेसबुक पर, जहां भी है सभी जगह शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर 2020 में उनकी 141st उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए। ब्रिटिश सरकार ने साल 1928 में भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें केसरे हिंद से भी सम्मानित किया था, और इनका निधन कब हुआ था, 2 मार्च 1949 में उनका निधन हो गया था। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीबिया। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, लीबिया। इसका करेक्ट आंसर है, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, युद्धग्रस्त लीबिया में दीर्घकालीन संघर्ष विराम की अपील की है यह प्रस्ताव में, ठीक है। और ब्रिटेन द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को 15 में से 14 मतों की मंजूरी मिल गई। तो 14 मतों की मंजूरी के साथ रूस इस दौरान वोटिंग से गैर हाजिर रहा, रूस ने इसमें वोटिंग नहीं करी। और लीबिया में 12 जनवरी 2020 से संघर्ष विराम लागू है, लेकिन इसका कोई प्रभाव दिखाई न देने और देश में लगातार बढ़ रहे हमलों और झड़पों के चलते संयुक्त राष्ट्र ने यह कदम उठाया, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका करेक्ट आंसर इसलिए लीबिया बन जाता है। तो आज का हम लोग का टारगेट क्या है, आज का टारगेट है 600+ लाइक्स। तो आई होप सभी बच्चे टारगेट अचीव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और 600+ तक लाइक आएंगे आज के वीडियो पर। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि है ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाली जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण के किस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत। जी हां, भारत को ही नुकसान होता है। और कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के संदर्भ में यह नुकसान 10.7 लाख करोड़ रुपये का एक साल में होता है, जो कि देश के GDP का कितना, 5.4% है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है भारत के लिए, ठीक है, और हम लोग के लिए भी। चीन और अमेरिका के बाद भारत इस नुकसान का सामना कर रहा तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन को जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण से हर साल लगभग $900 अरब और अमेरिका को लगभग $600 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। और थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही कौन सा राज्य ऐसा करने वाला पहला
केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। और इसके बारे में अगर हम देखें, नागरिकता कानून के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही पुडुचेरी ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका। और इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश CAA के खिलाफ प्रस्ताव पार कर चुके हैं और नागरिकता संशोधन कानून को बीते साल दिसंबर में ही संसद से मंजूरी मिली है। ये कानून 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों, हम लोगों को कास्ट याद रखनी है कौन कौन सी, हिंदू, सिख, जो जैन है वो सारे, पारसीज जो हैं, बौद्ध इतने जो बौद्ध हैं जितने वो, और ईसाईज, ठीक है, क्रिश्चियंस, इनको नागरिकता प्रदान करना है। अब बात करते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है सिक्स क्वेश्चन, चीन ने किस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट के लिए आवेदन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। यह दवा नोवेल कोरोना वायरस के इलाज में मदद कर सकता है और रेमडेसिविर का एक प्रायोगिक दवा है और वैश्विक स्तर पर कहीं भी इसका लाइसेंस या अनुमोदन नहीं किया गया। इसे वर्तमान में इबोला वायरस से संक्रमण के उपचार के लिए विकसित किया जा रहा है। तो इबोला वायरस के लिए इसे उपचार विकसित किया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस देश के चित्तेत्सु वातानवे को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जापान इसका करेक्ट आंसर है, जापान के चित्तेत्सु वातानवे। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चित्तेत्सु वातानवे कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जापान ही होगा, ठीक है। और ये सबसे उम्र दराज जीवित पुरुष बन गए हैं। इनकी उम्र 12 फरवरी 2020 को, 12 फरवरी को ये कितने साल के हो जाएंगे, 112 साल 344 दिन हो जाएगी, ठीक है, 112 साल 344, कुछ ही दिनों बाद ये हो जाएंगे 113 साल के। और इनका जन्म कब हुआ था, जापान की निगाता, जापान के निगाता में 5 मार्च 1907 को हुआ था। तो 5 मार्च आने वाली 5 मार्च या 5 मार्च को ये 113 साल के हो जाएंगे, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हाल ही में उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया। जापान के केन तनाका दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला हैं, इनकी उम्र 117 साल है, ठीक है, वो फीमेल हैं और मेल की कैटेगरी में ये आ गए। चलिए मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे प्यारे भारत का गुजरात, ठीक है, भारत में गुजरात स्थित मोटेरा में बन रहा सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम दर्शकों की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जो कि बहुत ज़रूरी, बहुत मतलब अच्छी बात है, बहुत प्राउड वाली फीलिंग है कि भाई इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, क्रिकेट का। और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ट्रंप यहाँ केमछो ट्रंप प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्म है केमछो ट्रंप, गुजराती टर्म है। तो इस प्रोग्राम की मेज़बानी कौन करेंगे, ट्रंप करेंगे, ठीक है, और मोटेरा स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, UNHCR। अब हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। और इसके द्वारा हाल ही में स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया गया है और इस अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा 12 महीनों में लगभग 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्वयं को चुनौती भी दी जाएगी, क्योंकि विश्व में शरणार्थियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए हर
हर वर्ष लगभग इतने किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। अब रिफ्यूजी दो तरह के होते हैं, बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल एक टॉपिक है ये रिफ्यूजी का, तो ये बहुत अलग होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, उस चीज़ से हटके है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए क्या बन जाता है, UNHCR, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के अंतिम प्रश्न जो कि है 10th क्वेश्चन। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस ने ई गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे प्यारे भारत का प्यारा सा पंजाब। ठीक है, पंजाब के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने राज्य में ई गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह समझौता ज्ञापन लोक सेवाओं के प्रशिक्षण में बुनियादी ढांचे हार्डवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के साझाकरण के माध्यम से राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में NISG की भूमिका को सुगम बनाएगा। अब यहाँ एक टर्म आई है NISG। NISG का गठन सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2002 में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 2002 में। तो चलिए देखते हैं कल का प्रश्न जो हमने दिया था लास्ट में, किस राज्य ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, और देखते हैं आज का प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, किस स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी का क्या नाम रखा है। तो इसके ऑप्शन है चीन 2019, रोबीज 2019, कोविड 2019 या केविस 2019। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, SSC मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। और आज के वीडियो का लाइक का टारगेट कितना है, 600+ लाइक्स अचीव करने हैं आपको। आई होप सभी अचीव करेंगे, बहुत छोटा सा नॉर्मल सा टारगेट है, आई होप सभी अचीव करेंगे। ऐसे ही आप छोटे छोटे गोल बनाइए, छोटे छोटे अपने लाइफ में भी टारगेट बनाइए, उन्हें भी अचीव करिए, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।